एमएस कोडर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जानी थी और उसका हमने एक प्रोग्राम भी बनाकर देखा था जिससे लोकल वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी डाउट हमारे माइंड के अंदर थे सब क्लियर हो गए थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल को आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब लोकल वेरिएबल को हम पढ़ रहे थे तब हमने वहां पर देखा था कि हम लोकल वेरिएबल को केवल एक मेथड के बाउंड्री तक, यानी कि एक मेथड की हद में उसको यूज कर सकते हैं जहां पर हमने उसको डिक्लेयर किया था। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का सीन क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल में को आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसके एक प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं और फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि एक क्लास हमने ली है जिसका नाम हमने लिया है यहां पर ए, और इस क्लास के अंदर यहां पर देखिए हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसका नाम है यहां पर ए, और इसके अंदर यहां पर वैल्यू जो असाइन की है हमने वो 10 असाइन कर दी है। अब ये वेरिएबल जो है किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, मतलब जब कोई भी, अभी हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी भी मेथड की बॉडी के अंदर ना हो वो क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो यहां पर देखिए ये किसी भी बॉडी के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब जब ये ग्लोबल वेरिएबल है तब हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल को हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है मेथड वन, और यहां पर हमने एक स्टेटमेंट ली है जिसमें हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पर हमने वैल्यू प्रिंट करा दी है ए की, यानी कि ये देखिए जो हमने ए यूज किया था उसकी वैल्यू हम यहां पर प्रिंट करा रहे हैं इस मेथड के अंदर। और इसके नीचे आप देख सकते हो कि एक और मेथड है यहाँ पर जिसका नाम है मेथड टू, और इसके अंदर भी हमने सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हमने क्या किया है, इसी ए को यूज किया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्लोबल वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर केवल दो ही मेथड है, और अगर यहाँ पर बहुत मेथड होते, नंबर ऑफ एन मेथड होते, तब भी हम यहां पर इसको एक्सेस कर पाते। तो चलिए मैं अब आप इसको आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूं। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहां पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूं, और यहां पर आपको एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक क्लास है जिसका नाम है लोकल, और यहां पर एक हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका टाइप है इंट और नाम ए है, और इसके अंदर वैल्यू असाइन की गई है 45। इस वेरिएबल को हम क्या बोल लेंगे, ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल किसी भी मेथड के अंदर नहीं है। जब भी किसी भी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल किसी भी मेथड के अंदर ना हो तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। मैं यहाँ पर कमेंट में भी आपको लिखा टाइप करके दिखा देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। और यहाँ पर हमने दो मेथड लिया हुआ है, एक मेथड का नाम है F1, और यहाँ पर एक और मेथड है जिसका नाम है F2, और यहाँ पर मैन फंक्शन है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन करके, और यहाँ पर मैंने इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और इस क्लास के अंदर से मैंने ऑब्जेक्ट्स के से क्या किया है, F1 और F2 मेथड को कॉल किया है। तो सबसे पहले F1 के अंदर आते हैं और यहाँ से इस A को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यू कैन सी दैट यहाँ पर 45 वैल्यू आ गई है, और अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर भी आकर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो भी आपको दिखाई देगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, यानी कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं से भी इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आने वाली वीडियोज़ में हम आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।